आपके जो पार्टनर है दिलावर खान, उनके पास कोई फ्लैट है जिसका नंबर है 143? 143? भाई उसके फ्लैट का नंबर तो 302 है। हो सकता है उसने किसी टावर में 14th फ्लोर पर ये फ्लैट लिया हो, आपको ना पता हो। अब पुलिस उसका हर कॉल टैप कर रही है। इसका मतलब ये है वो नमक हराम अभी तक यही मौजूद है? जी हाँ, शहर के बाहर है कहीं। हर बार जगह बदल बदल कर फोन करता है, लेकिन हर फोन पर ये बात जरूर कहता है वो इरशाद से कि फ्लैट नंबर 143 का ख्याल रखना। 100? हाँ मुझे याद आया, दिलावर खां के पास एक गाड़ी थी जिसका नंबर है 143 और वो आजकल किसी गैरेज में पड़ी है। है उस कार का कोई सीधा ताल्लुक इस केस से हो? अनवर भाई को बतानी पड़ेगी ये बात। खुदा खैर करे, मैं तो समझती थी 30-40 रुपए में ये किताबें आ जाएंगी, मगर पूरे 150 रुपए लगे। हाँ अरे ये क्या, ये सोहेल की किताबें हैं? क्यों, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ सकती? अरे बेगम आप पढ़ क्यों नहीं सकती, लेकिन लोग फिर वही मुहावरा दोहराएंगे के बूढ़ा तोता क्या खाक पड़ेगा। खुदा खैर करे, मेरी खामियां निकालने के सिवा और कोई काम नहीं आता आपको? अच्छा बेगम ये बताइए, क्या आपने ये पढ़ाई लिखाई क्यों शुरू कर दी है? क्योंकि मैं छोटी को ये दिखा देना चाहती हूँ कि मेरे पास भी दिमाग है, मैं कम अकर और जाहिल नहीं हूँ। सिर्फ ये चार किताबें पढ़कर? खुदा खैर करे, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। छोटी ने अपनी चमची जीनत से ये पैगाम भेजा है मेरे पास कि वो इस घर की जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहती है और अब ये सारी जिम्मेदारी वो मुझे सौंपना चाहती है। छोटी को तो मैं बहुत समझदार समझता था, मगर उसके इंतखाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? राय चूर का छोटा सा मकान तो आपसे संभला नहीं, आप इतने बड़े बंगले को कैसे संभालेंगे? खुदा खैर करे, कैसे शौहर है आप? आपको तो अपनी बीवी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा तो है बेगम, लेकिन साइकिल चलाने वाले से हवाई जहाज चलाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। आपका मतलब है कि मैं जमीन पर चलते चलते आसमान में उड़ने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि इंसान को चादर के बाहर पांव नहीं फैलाने चाहिए। खुदा खैर करे, एक दिन आपके ये मुहावरे मेरी जान लेकर ही रहेंगे। ऐसी मनहूस बातें ना करे बेगम, वरना मेरा क्या होगा, इकलौता शौहर हूँ आपका। हाँ यही आकर मैं हार जाती हूँ। लेकिन बेगम मैं जिंदगी की हर बाजी आपको जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। हाय हाय, खुदा खैर करे, आज तो फूल झड़ रहे हैं आपके मुंह से। आप बस इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, फिर देखिए मैं छोटी को दिखा दूंगी घर कैसे चलाया जाता है। अरे बेगम, छोटी ने कहा या नहीं कहा है, लेकिन आपके दिल में इस घर की सल्तनत संभालने की चाहत अंगड़ाइयां जरूर ले रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेगम को उसका सही मकाम मिल रहा है। बेगम मैं इस कदर खुश हूँ कि खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, ये सोचकर कि जिसने इस घर की सल्तनत की डोर आपके हाथ में आ गई तब इस घर का क्या होगा। पहले आने तो दीजिए, आप तो अभी से नजर लगा रहे हैं। खुदा खैर करे। लीजिए चाय, लीजिए लीजिए ना। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? जानकर क्या करोगी? क्यों, क्या मुझे जाने का हक नहीं है? मैं आपकी बीवी हूं, मैं देख रही हूं जब से आप पुलिस स्टेशन से आए हैं खोए खोए से हैं। बताइए ना क्या बात है, कहीं पुलिस वालों ने आपको कोई टेंशन तो नहीं दे दिया? खैर टेंशन तो हो ही गई है शबनम, पुलिस वालों ने मेरे और अब्बू की बातचीत को टैप कर लिया है। क्या? फिर? फिर क्या? अबू से बातचीत अब बड़ी होशियारी से करनी होगी, वो डीएसपी अनवर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं।
और ये सब काम उस ज़हीर अहमद ने अपने रिश्तों की बुनियाद पर अनवर मियां से करवा रहा है। या खुदा, ये क्या हो रहा है? मैं कहती हूं अब्बू को क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब्बू ने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया, हमारी भलाई के लिए क्या है? इस भलाई से किसका कितना भला हो रहा है सब देख रही हूं मैं। आप भी तो घर की भलाई के लिए रेस के मैदान में जाते हैं ना, लेकिन आज तक क्या आप कभी जीत कर आए हैं? शबनम मुझे परेशान मत करो, मुझे सोचने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूं, ठीक करते करते पुलिस तक आ गई है। पुलिस आई नहीं, पुलिस भेजी गई है। ये सब उस ज़हीर अहमद की चाल है, लेकिन उसे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। इस मामले को जरा ठंडा होने दो। अब ये मामला ठंडा नहीं होगा, एक बार पुलिस आई है तो बार बार पूछताछ करेगी। चाहे जितनी बार भी वो लोग मुझसे पूछताछ कर ले, मगर मुझसे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये बात है तो फिर आप मुंह लटकाए हुए क्यों हैं? आज पुणे में डर्बी रेस है और मैं खाली जेब लिए हुए बैठा हूं। शबनम, एक बार जैकपॉट लग जाता तो सारे प्रॉब्लम एक ही झटके में निपट जाते। अगर रेस के कीड़े इस कदर काट रहे हैं तो अपने अब्बू से कहिए ना कि कुछ पैसे भिजवा दें। उन्होंने भिजवाए जरूर है, मगर कहां है ये 143 से ही पता चलेगा। 143 ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ सुना नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। बात क्या है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ये 143 है क्या भला? शबनम मैंने कहा ना, तुम अपनी जुबान मत खोलना और इस नंबर को अपने सीने में दफन कर दो। अगर किसी को पता चल गया तो हम सब सलाहों के पीछे होंगे। अब देखना दोनों किस तरह प्यार से बैठकर हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। चलिए उन्हें फोन लगाते हैं। आप बात कीजिए। हेलो। आदाब भाभी, कहिए साहब का दिमाग कुछ ठंडा हुआ या नहीं? एकदम ठंडा, बिल्कुल बर्फ के पानी की तरह। नमी, किसका फोन है? ज़हीर भाई का। क्या कह रहा है ज़हीर? लो तुम खुद ही बात कर लो। ला। हाँ ज़हीर, कहो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। वैसे आपकी आवाज से लग रहा है कि आप अच्छे मूड में हैं। हाँ ज़हीर, भाई साथ में बैठकर चाय पीने में कितना मजा है। मजा आता है ना? अच्छा सुनो, अब तुम मेरा माइंस का भी काम निपटा दो वरना। हाँ भाई हाँ, निपटा दूंगा। ओके बाय बाय। दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे। वेरी गुड। आप चाय पीएंगे? यस, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अभी लाती हूँ। खुदा खैर करे कि मेरे पैरों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता जानलेवा होता जा रहा है। डॉक्टर ने इसका कुछ इलाज कराओ। बढ़िया पा, आप फिर ठंडे पानी से नहाई होगी है ना? हाँ, फिर से गलती हो गई, आइंदा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मैंने आपको दर्द की दवाई तो दी थी ना? सुबह से वही तो निकली जा रही हूँ, लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अच्छा मैं आपको एक तेल देती हूँ, इससे मालिश करके क्रेप बैंडेज बांध दीजिएगा। पट्टी बड़ी आपा। अच्छा जा, डॉक्टर ने मेरे पैरों को किसी की बुरी नजर लग गई है। हाँ बुरी नजर तो इस घर को लग गई है बड़ी आपा। आयशा का क्या हाल है? उस बिचारी की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। डॉक्टर ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसका रोना देखकर मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो गया। सुधीर बता रहे थे कि सलमान उन्हें मिला था। सलमान मिला था? हाँ, और सुधीर से कह रहा था उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। और क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि ज़हीर भाई को समझाइए
कि वो उसके बाप के गुनाहों में शामिल नहीं है। और वैसे भी जब ये हादसा फारूक अंकल के साथ हुआ, वो तो इंडिया में था ही नहीं। खुदा खैर करे, किसी की मुसीबत किसी के गले पड़ गई। डॉक्टर नहीं, मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा है कि वो लड़का बुरा नहीं है। हाँ बढ़ियापा। अच्छा बढ़ियापा, मैं चलती हूँ, कोई बात हो तो फोन कर दीजिएगा। बढ़ियापा, निम्मी कहाँ गई? खुदा खैर करे बहू बेगम, मैं क्या अब हर आने जाने वाले का हिसाब किताब रखूंगी? और जीनत के हाथ में ये क्या है? मैं आयशा के कमरे में गई थी उसका हालचाल पूछने, तो वो ये चीजें जीनत को दे रही थी। मुझे देखते ही कहा कि ये सारा सामान मैं आप तक पहुंचा दूं। मुझ तक क्यों? उसका कहना है कि अब उससे इस घर का हिसाब किताब नहीं देखा जाता, ये काम आप उसे बेहतर कर सकती है। तो क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? क्या वो ये बात खुद आकर मुझे नहीं बता सकती थी? बढ़ियापा, अब ये बात तो आयशा ही जाने। खूब समझती हूँ मैं उसको। हाँ, तुम्हारी मंशा भी यही है कि मैं इस घर के हिसाब किताब में उलझी रहूं। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं बेवकूफ हूँ, कम अकल हूँ, अनपढ़ हूँ। ये सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी? और मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं जहीर की नजरों में गिर जाऊंगी। तुम यही चाहती हो ना? नहीं बढ़ियापा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आयशा का ये भी कहना था कि अगर आप इस बात से राजी ना हो तो ये सारा सामान ऑफिस में पहुंचा दिया जाए। जीनत, खुदा खैर करे, मैं अपने भाई की दुश्मन नहीं हूं जो उसकी परेशानियों में इजाफा करूं। अगर उसने मुझे ये चीजें दी हैं, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? और बहू बेगम, तुम भी तो यही चाहती हो ना? लीजिए, अब तुम जा सकती हो। क्या बात है बढ़ियापा, आपके हाथों में ये चाबियों का गुच्छा? खुदा खैर करे मेरे भाई, आयशा का ये कहना है कि अब वो इस घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक गई है, इसलिए उसने मुझे ये चाबियां दे दी। वैसे कायदे से ये जिम्मेदारी भाभी को सौंपनी चाहिए थी। हाँ वो तो है, लेकिन बहू बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती। मतलब ये कि आज से होम मिनिस्टर बदल गया है। फोन। हेलो, कौन? सलमान। मिस्टर सलमान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह फोन करने की? तुम्हें आयशा तो क्या, उसकी परछाई तक नहीं मिलेगी। और आइंदा से ऐसी जुरात करोगे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? बढ़ियापा, ये सलमान को आपका नंबर कैसे मिला? फिरोज, मैं भी यही सोच रही हूं। ये सब अपनों की शरारत है। आप मुझे ये फोन दीजिए, मैं इसका सिम कार्ड बदल दूंगा और आपका नंबर भी बदल जाएगा। अब खुदा खैर करेगा। खुदा खैर करे तो तुम जीनत की खालाजाद बहन हो, हाँ? जी बड़ी आपा। तुम्हारी अम्मी भी मुजफ्फरनगर में रहती है? जी आपा। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? आठवीं जमात पास हूँ बड़ी आपा। जीनत तुम्हें सारा काम बता गई ना? जी। खाना तो तुम जायकेदार बनाती हो, चिकन बिरयानी तो बहुत ही अच्छा बनाती हो। शुक्रिया बड़ी आपा। पर तुम खाती ज्यादा हो और काम करती हो कम। जी जी, अब तो तुम उतना ही खाओगी जितना तुम्हें खाना चाहिए। देखो, अगर ज्यादा खाना खाओगी तो और मोटी हो जाओगी तो काम नहीं कर पाओगी। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम काम कम करो। मैं आपके मशवरे पे अमल करने की कोशिश करूंगी बड़ी आपा।
खुदा खैर करे, कोशिश करूंगी और क्या मतलब, तुम्हें अमल करना ही पड़ेगा वरना अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? समझ गई। और एक बात सुन लो, इस घर में तुम सुनोगी सबकी लेकिन करोगी मेरे मन की। ये भी समझ गई बड़ी आपा। अब ये बात भी समझ लो, इस घर में जितने नौकर हैं सब पे तुम्हें नजर रखना होगा, कोई भी गलत काम करेगा तो मुझे चुपके से आकर बताया करो। बता दिया करूंगी बड़ी आपा। खुदा खैर करे, अब तो इस घर के सारे नौकर अव्वल दर्जे के काहिल बन गए, काम बिल्कुल नहीं करते और रोज हमारे सामने अपने मसले रखते हैं। लेकिन वो भी क्या करें बड़ी आपा, इतनी सी आमदनी में आखिर होता क्या है? खबरदार खबरदार जो उनकी तरफदारी की तो, वरना मैं भी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी, समझी तुम? ऐसा गजब ना कीजिएगा बड़ी आपा। अब मेरी ये बात गौर से सुनो, मुझे इस घर को ऐसा चलाना है कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम हो। ख्याल तो आपका अच्छा है बड़ी आपा, लेकिन ये सब होगा कैसे? हिफाजारी से घर चलाना होगा, तभी कम खर्चे में ज्यादा काम होगा। अरे बेगम, घर अब आप चलाएंगी? तुम जाओ। खुदा खैर करे, क्यों मैं घर नहीं चला सकती? क्या मैं अपना घर नहीं चलाती थी कि अपने भाई का घर ना चला सकूं? हाँ आप चला सकती है, आप तो पहले भी घर चलाती थी ना। आ गए मेरी जान को जलाने, सब समझती हूँ आपकी दिल की बातों को। सर आप, मैं भी तो सुनूं कि आप क्या समझती हैं? यही कि आप मेरी तरक्की से जलते हैं, हटिए। मैं आपकी तरक्की से जलता हूँ? अरे बेगम आप क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ आओ आओ। सब खैरियत तो है बेटी? जी अम्मी। लेकिन बेटी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। हाँ अब्बू, जब से सलमान को लेकर हमारे घर में हंगामा हुआ है तब से दिल पर एक बोझ सा बना रहता है। कैसा बोझ बेटी? यही सोचती हूँ कि अगर उस दिन इर्शाद को पहचान कर भी मैं अनजान बनी रहती तो कितना अच्छा होता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटी? अब देखिए ना अम्मी, मैंने उस दिन इर्शाद को पहचाना, भरी महफिल में ऐलान किया कि सलमान एक मुजरिम दिलावर खान का बेटा है और मेरे इस इंकशाफ से आयशा का रिश्ता नहीं हो सका। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था बेटी। जब मैंने इर्शाद को वहां देखा तो मैंने चाहा कि इर्शाद और सलमान के बारे में तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल ना बताऊं, क्योंकि मैं जानता था कि आयशा सलमान को बहुत चाहती है, वो कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। अबू, जब से रिश्ता टूटा है आयशा मुझसे खफा हो गई है, मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है।